ये बना लो जान। बड़े सारे ही कीते हैं तो इंसान अल्लाह ताला पे कर सकता है, लेकिन इंसानों पे भी कुछ उम्मीद होती है। पहली उम्मीद अल्लाह ताला पे होती है, तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला पे पूरी उम्मीद है मुझे इंसाफ मिलेगा, और नहीं भी मिलेगा तो मुझे अल्लाह ताला पे उम्मीद है अल्लाह ताला की अदालत बहुत बढ़िया इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा वहाँ से इंसाफ। तो उम्मीद रखती हूँ इंशाल्लाह, जो ये पिटीशन मैंने दायर की है तो इसमें इंशाल्लाह मुझे इंसाफ मिलेगा, मुझे उम्मीद है अल्लाह पे उम्मीद है। और आप लोग जो हैं आपको पहले तो डिसअपॉइंटमेंट थी मैडम फरजाना, आपका मुझे याद है कि यहाँ पर आपने खासा कहा था कि इंसाफ नहीं दिया जी जी कोर्ट ने, अब आपको उम्मीद है मौजूदा अदालत से? अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस बेंच के लिए। अगर इस बेंच ने भी इंसाफ नहीं दिया, जो कि अभी आपने कोहिस्तान केस में देखा कि 6 साल बाद वो केस ओपन हुआ और उसमें भी इंसाफ नहीं हुआ है, तो मैं ये समझती हूँ कि फिर इंसाफ की मुझे तो कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं अगर आप मुझसे पूछें, क्योंकि ये अदालतें जो हैं ये जिस किस्म की एविडेंस, मतलब सारी दुनिया को पता है लेकिन ये जो जजेस हमारे होते हैं ये अंधे हो जाते हैं, और ये टेक्निकलिटीज़ में जो है आवाम को इंसाफ नहीं मिलता। अगर मुझसे पूछें तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस चैलेंज है इस बेंच को कि अगर इस केस को ओपन करते हैं तो फिर मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की औरतों को कुछ हौसला होगा। मैं बहुत पुरुमीद हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो जस्टिस नासिरुल मुल्क ने डिसेंटिंग नोट, जो इख्तलाफी नोट जस्टिस नासिरुल मुल्क ने 2011 में लिखा था, वो ये नया बेंच बना है, 3 रुकनी बेंच है। इस फाजिल बेंच को चाहिए, मोदबाना दरख्वास्त है इस फाजिल बेंच से कि वो इख्तलाफी नोट डिसेंटिंग नोट को पढ़ लें। और जो सिविल सोसाइटी ने एक अपील की थी उसी वक्त जिस वक्त मुख्तार बीबी ने अपनी रिव्यू पिटिशन फाइल की थी, हमने सिविल सोसाइटी की तरफ से एक अपील फाइल की थी, वो भी अगर ये मौजूद 3 रुकनी बेंच पढ़ लें तो मैं बहुत पुरुमीद हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारी औरतों की नज़र इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच के ऊपर है, और उनको बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी अगर इस दफ़ा भी हमें इंसाफ नहीं मिला। यहाँ पर कुछ औरतें आती हैं लेकिन पूरे मुल्क की औरतें जो हैं उनकी नज़र इस केस के ऊपर है, तो ये भी इस अदालत को अपने जहन में रखना चाहिए। बिल्कुल सही है, हम यहाँ पे विक्ट्री का साइन बना के जाएंगे। चलिए कोई भी